आप देख रहे हैं इंडिया पावर न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रभा वाजपेयी। दंपति ने खाया जहर, पति की हुई मौत, पत्नी गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में हुई रेफर। जी हां, उक्त खबर यूपी के बस्ती जनपद से है। नगर पंचायत रुधौली के शास्त्री नगर वार्ड में स्थित मध्य नगर के रहने वाले नवल किशोर 30 वर्ष पुत्र गबोधर व उनकी पत्नी अज्ञात कारणों से सुबह जहर खा लिया। स्थानीय लोगों ने परिजनों व रिश्तेदारों को सूचना देकर मामले की जानकारी दी। मौके पर पहुंचकर लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रुधौली ले जाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां सुबह करीब 10:45 बजे नवल किशोर की मृत्यु हो गई और उनकी पत्नी आरती को बीआईडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि आए दिन पारिवारिक विवाद होता रहता था, जिसको लेकर कई बार समझाया बुझाया गया था। मृतक नवल किशोर घर पर ही रहकर खेतीबाड़ी व गाड़ी ड्राइविंग का कार्य करता था। नवल किशोर के मृत्यु हो जाने के बाद उसके 3 बच्चे सत्यम 8 वर्ष, अनुराग 6 वर्ष, आकांक्षा लगभग 18 माह व अन्य परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि बच्चों को उनके अन्य परिजन के संरक्षण में रखा गया है। जानकारी के अनुसार प्रभारी थाना रुधौली ने बताया कि लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बस्ती से जयप्रकाश यादव की रिपोर्ट। सत्यम साहब, कैसे कैसे क्या हुआ जो मम्मी पापा आपके कैसे कैसे झार खाए? 12 बजे शाम को आए थे दो लोग, एक तिल्लो की थे और एक संजय सिंह के घर के थे। दो लोग आके वीडियो बना रहे थे मम्मी पापा का। कब बना रहे थे? दिन में नहीं, रात में। अच्छा, 12 बजे रात। उसके बाद क्या हुआ? तुम लोग कहाँ थे तब वीडियो बना रहे थे? हम लोग सोए थे। सोए थे कहाँ पे? घर में सोए थे। वीडियो बनाते वक्त आप लोग देख रहे थे? नहीं, पापा कह रहे थे। किसका वीडियो बना रहे थे? मम्मी पापा का, दोनों का। उसके बाद क्या हुआ? सुबह का टाइम हम लोग स्कूल जाने के लिए तैयारी किए जी, मम्मी पापा जहर खा लिए थे। कैसे मालूम चला कि जहर खाए हैं? पापा बुलाए थे। किसको? हम दोनों को। क्या कहे पापा? पापा कहे हम मरने वाले हैं, जल्दी से आओ। और मम्मी तुम्हारी? मम्मी भी यही बात कही है। अच्छा, दोनों बच्चों को मम्मी पापा बुला करके कहने लगे कि हम लोग जहर खा लिए हैं? हाँ। तो आप लोग क्या किए, किसी से बताए? हाँ, मैं डॉक्टर के पास गया। मैं अपने माजरम्मा के पास गया, तब उसका बेटा आए तो पूरे गाँव में पहचान हुआ। फिर टहटाई पे रहे, फिर टहटाई से बस्ती रहे, फिर बस्ती जाते जाते पाए। बेटा फिर से उन लोगों का नाम बताओ दोनों का, उसको पहचानते हो कायदे से? तीन लोग के थे और संजय सिंह के घर। तुम्हारे वार्ड के हैं? हाँ। बढ़िया से पहचानते हैं? हाँ। पहचानते हैं बढ़िया से? हाँ। यहाँ से पहले भी आते जाते थे? हाँ। तुम्हारे घर पे पहले भी आते जाते थे? हाँ। तो तुम लोग क्या जानते थे उनको? भाई अपना समझते थे। और उस रात में क्या हुआ? रात में आके वीडियो बना के चले गए। क्यों वीडियो बनाया? आप लोग विरोध नहीं किए? हम नहीं जानते। किस बात को लेकर वीडियो बना रहे थे? पता नहीं। मम्मी पापा तुम्हारे क्या कर रहे थे, कहाँ थे, कहाँ बैठे थे जब वीडियो बना रहे थे? यहाँ पर बाहर। बाहर बैठे थे? अच्छा, बाहर वीडियो बनाए। अभी कुछ जमीनी विवाद का भी बात कुछ लोगों द्वारा बताई गई, सभी पहलुओं पर जांच की जाएगी और साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। दो अभियुक्त जिन पर आरोप लगाए गए उनको पुलिस कस्टडी में ले लिया गया, पूछताछ जारी है, अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है। वॉचिंग दिस वीडियो, टेलीविजन दुनिया की छोटी बड़ी न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट लाइक जरूर करना। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।